हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कांटेक्ट में है अपने पर्सन के साथ और जानना चाहते हैं कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी कोई भी बातचीत होगी अपने पर्सन के साथ, हाँ या ना। जस्ट बी माइंडफुल, ये जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन से बात होगी, हाँ या ना। मुझे लगता है कि बहुत ही यू नो एक स्टबर्न एटीट्यूड है आपके पर्सन का, लेकिन डीप डाउन ये उतना ही सेंसिटिव है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर मेंटल ब्लॉक्स हैं, इमोशनल ब्लॉक्स हैं, मुझे लगता है कि पर्सन काफ़ी हद तक आपको लेकर सेंसिटिव नहीं है, पर अपने इमोशंस को लेकर काफ़ी सेंसिटिव है। काफ़ी हद तक ये ऐसे बिहेव करता होगा आपका पर्सन जैसे यू नो आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स इसके लिए मैटर नहीं करते। सो लेट्स सी कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी कोई कम्युनिकेशन होगी इस इंसान के साथ। सिक्स ऑफ सोड्स, पेज ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि ये जो बहुत ही ज़्यादा एक हार्ड नट के जैसे ये इंसान है, जिसको शायद कुछ फील नहीं होता, यू नो कोई फीलिंग्स नहीं है ऐसे आपको लगता है, मुझे लगता है कि आने वाले यू नो कुछ घंटों में इस इंसान का जो है वो मेल्टडाउन होने वाला है, जहाँ पर ये पर्सन नॉट जस्ट फील करेगा कि कुछ ये यू नो गलत हुआ है, बट ऑल्सो मुझे लगता है कि इसको रियलाइजेशन होगी इसकी फीलिंग्स को लेकर के इसके दिल में आपको लेकर क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस हैं। कहीं ना कहीं ये डिज़ायर करेगा नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर अंदर, जहाँ पर यू नो ये विश करेगा कि काश चीज़ें हमारे दरमियान में बेहतर होती, और उस टाइम पे मुझे लगता है कि इसका जो फीलिंग्स का एक रिवाइवल है वो होगा, जहाँ पर यू नो जो भी इसके ब्लॉक्स हैं, जो भी इसके यू नो इश्यूज हैं जिनकी वजह से ये कभी भी लव वाइज जो है वो उतना ओपन नहीं हो सका, मुझे लगता है कि वो चीज़ें फाइनली ट्रिगर होंगी, वो इमोशंस फाइनली ट्रिगर होंगे, जहाँ पर ये पर्सन आपके लिए एक्शन यू नो लेने का सोच सकता है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर कि क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी कोई कम्युनिकेशन होगी इस इंसान के साथ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। अनिदरक, वी डू हैव द जजमेंट। मुझे लग नहीं रहा कि कम्युनिकेशन होगी, टू बी ऑनेस्ट। मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक चेंज आप इस इंसान की जो है अनसीन चेंज होगा आपके लिए, क्योंकि जाहिर आपको दिख नहीं रहा, आपको फील नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हो रहा है। सो जो लोग मेडिटेट करते हैं, जो लोग यू नो एक जिनकी लाइफ का हिस्सा है एक हेल्दी लाइफस्टाइल, जहाँ पर आप यू ईट हेल्दी, यू डू हेल्दी थिंग्स, जहाँ पर आप नेचर के साथ कनेक्टेड हो, जहाँ पर आप मेडिटेशंस वगैरह करते हो, और आपका एक कनेक्ट जो है इस इंसान के साथ, चाहे ऑफ कम्युनिकेशन भी है, लेकिन आपको एक फीलिंग आती है कि जैसे एक सोलफुल कनेक्शन है और आप कनेक्टेड हो इस इंसान से और आप इसकी वाइब पिकअप कर सकते हो, मुझे लगता है कि वो लोग ये चेंज जो है वो सी कर सकेंगे या फील कर सकेंगे, नॉट इन अ फिजिकल वे, लेकिन उनको फील होगा कि पर्सन मिस कर रहा है आपको। कहीं ना कहीं ऐसी डिवाइन एक यू नो एक साइन के जैसे यू नो एक मैसेज आएगा, जहाँ पर आपको फील होगा कि पर्सन आपको मिस कर रहा है। नॉट जस्ट दैट, बल्कि आपकी तरफ कोई सीरियस एक्शन लेना चाहता है, और जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए तो ये ऑब्वियस है चीज़ कि ऐसा हो रहा है ऑलरेडी, क्योंकि उनकी प्रेयर्स और उनकी जो विशेज़ हैं वही कबूल हो रही हैं, वही उनकी जो दुआएं हैं वो पूरी हो रही हैं। सो मुझे लगता है कि काफ़ी नॉन फिजिकल चेंज डेफिनेटली आ रहा है पर्सन में, लेकिन कोई एक्शन मुझे लेते हुए पर्सन जो है नेक्स्ट 48 आवर्स में दिख नहीं रहा। सो मुझे नहीं लगता कि आपकी कम्युनिकेशन होगी अनटिल एंड अनलेस यू रीच आउट नेक्स्ट 48 आवर्स में, जो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि आपके पर्सन के लिए ये टाइम अपार्ट फ्रॉम यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर ये रियलाइज़ कर सके कि आपके आपको लेकर क्या फील करता है, ताकि जिसका जो हार्ड नट है जिसमें ये रह रहा है इस कनेक्शन को लेकर, मुझे लगता है कि उसमें से इसको निकलने की ज़रूरत है। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स के बाद जो इसके अंदर चेंज आएगा, हो सकता है उसको नेक्स्ट 48 आवर्स और लग जाएं, लेकिन आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि पर्सन जो है इसके अंदर जो इमोशंस का एक वो जो ठहराव था, फाइनली वो रिलीज़ हो जाएगा।
एक जो इसने रोका हुआ था अपने आप को इमोशनली आपसे बात करने के लिए, कॉन्टैक्ट करने के लिए, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी. ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा अपनी फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर, और उसके बाद ये रीच आउट करेगा, उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन होगी. और नॉट जस्ट कम्युनिकेशन होगी, आपको वो मिलेगा जो आपकी विश थी या डिज़ायर थी, और आपकी विश पूरी होगी. सो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे कोई कम्युनिकेशन नहीं दिख रही. हो सकता है उसके नेक्स्ट 48 आवर्स में भी ना हो, लेकिन जब ये हो रही है, मुझे लगता है कि हो सकता है इसको एक हफ्ता शायद लग जाए या 1.5 हफ्ता लग जाए, लेकिन मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन जो होगी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होगी, जिसका आउटकम आपको इतना पसंद आएगा कि आप यू वुड थिंक कि इट वॉज वर्थ वेटिंग फॉर. सो उस तरह की सिचुएशन नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे नहीं लग रहा कि कम्युनिकेशन हो रही है. बट हैविंग सेड दैट, लेट्स टेक ओरेकल कार्ड्स जस्ट टू गिव यू एडिशनल गाइडेंस कि आपको मीनवाइल क्या करने की ज़रूरत है. एज यू वेट व्हाइल यू वेट, आपको क्या करने की ज़रूरत है. एज यू वेट व्हाइल यू वेट, आपको क्या करने की ज़रूरत है गिवन सिचुएशन में. इट्स टाइम टू टेक एक्शन. नथिंग इज येट सेट इन स्टोन. कम्युनिकेशन इज द की. Expect powerful change. Under the deck, we do have faith in your dreams. The only action जो आपको लेने की ज़रूरत है right now वो ये है to get your life in a healthy way. जहाँ पर आपको जो signs हैं, messages हैं, वो मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि right now communication तो हो नहीं रही है, लेकिन उन लोगों के लिए communication चलती रहेगी या चल रही होगी already, जो कि spiritually connected है इस इंसान के साथ, जो कि soulful connection feel करता है इस इंसान के साथ, चाहे आपकी बात होती है नहीं होती है, यू कैन स्टिल पिक अप द वाइब ऑफ दैट पर्सन. तो उनके लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल चेंज आने वाला है. और अगर आप उस तरह की सिचुएशन में नहीं हो राइट नाउ, तो यू हैव टू बिकम दैट यू, जहाँ पर आप यू ईट हेल्दी, यू एक्सरसाइज अ बिट, किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज आप कर सकते हो, उससे आप थोड़ा लाइट फील करते हो. और जब आप लाइट फील करते हो, तो यू पिक अप साइंस एंड मैसेजेस डिवाइन की तरफ से ज़्यादा अच्छे से. सो वो चीज़ें करने की यहाँ पर ज़रूरत है. और मुझे लगता है कि एज यू डू दैट, और जैसे ही आप अपना फेथ जो है स्ट्रांग करोगे कनेक्शन को लेकर, पर्सन को लेकर, और रिकन्सिलिएशन को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर, उतनी जल्दी आपको ये पॉजिटिव चेंजेस जो है कनेक्शन में दिखना शुरू हो जाएंगे. और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग के लिए ये 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते का टाइम रहेगा, जहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन भी होगी और ऐसे होगी जैसे आपकी दुआ पूरी हुई है. यू नो इट हैज़ टू बी लाइक समथिंग ब्लेस्ड जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है आफ्टर दैट. लेकिन मीन वाइल जो आपने करना है वो यही करना कि आपने रोना नहीं है, आपने नेगेटिव नहीं सोचना है, आपका फोकस इंटायरली होना चाहिए कि जो आप विश कर रहे हो, डिज़ायर कर रहे हो, वो पॉसिबल है और अचीवेबल है. और मे बी यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट. एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो जस्ट टू ब्रिंग योर सेल्फ इन टू दैट वाइब जहाँ पर आप रिसीव कर चुके हो, ताकि यू अट्रैक्ट दैट क्विकर. तो इस तरह की चीज़ें करने की जरूरत है. काफ़ी सारे लोग आप से शायद वंडर करते हैं कि शायद पैचअप होगा भी या नहीं होगा. नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कुछ भी अभी हुआ नहीं है, लेकिन आपके थॉट प्रोसेस जो है वो काफ़ी चीज़ को डिटर्मिन करेगा, फ्यूचर को डिटर्मिन करेगा. सो मेक श्योर कि यू आर इन द राइट स्पेस जहाँ पर आप रिकन्सिलिएशन हासिल कर सकते हो, पैचअप हासिल कर सकते हो, कम्युनिकेशन हासिल कर सकते हो इस इंसान की तरफ से आते हुए. सो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू राइट नाउ. उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है आपको. और हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, फियरफुल नहीं होना है. सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय.